ये दुनिया कितना कठिन है ना। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, मेरे दादाजी के बगल में ये एक कुम्हार है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये एक लोहार का है। कितना संघर्ष करके जी रहा है। ये एक सड़क के किनारे शरबत बेचता है। आज एक नया चरित्र के साथ आपको रूबरू करा रही हूँ। भाई तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार राजकुमार प्रजापति। कहाँ का रहने वाला हो तुम? गाजीपुर। मैंने उत्तर प्रदेश में रहते हो? उत्तर प्रदेश गाजीपुर। अच्छा, तुम ये चनाचूर बेचते हो? तो कितना दिन से ये, तुम तो रहते गाजीपुर में, बिलासपुर में आए हो, कितना दिन हो गया? कितना साल हो गया? दो साल हो गया। कितना बजे से कितना बजे तक बेचते हो? 4 बजे से रात 10:30। मैंने शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक बेचते रहते हो। और दिन में क्या करते हो? दिन में इसको बनाते हैं, पीसते हैं। अच्छा, दिन में इसको बनाते हुए सब कुछ करते हो, उसके बाद 4 बजे से भिड़ जाते हो? 4 बजे। तो ये 4 बजे से 10 बजे तक, मान के चलो 5 घंटा जो मेहनत कर रहे हो, ये 5 घंटा में कितना पैसा आता है? कितना का बेचा कहना होता है? 650 तक। अच्छा, तो मैंने हर दिन तुम 300-350 रुपया का इन्वेस्ट करते हो और 300-350 रुपया तुमको मिल जाता है। अच्छा, और इधर कहाँ रहते हो? कहाँ? दयालमंद में। किसके अकेला रहते हो? नहीं, दो लोग हैं। दो लोग। किराया कितना देते हो घर का? 2000 रुपया किराया। खाना पीना के लिए कितना लगता है? वही अपना खर्चा काट। मैंने 2000 रुपया खाना पीना सब मिला के तुम्हारा, मतलब उसी में, मतलब देखते हैं सर, 650 तो सब खर्चा पानी उसको बनाते हुए काट। तो तुम खाना के लिए तो खर्चा रखते हो ना? तो 100 रुपया बिकता है। अच्छा, 3000 रुपया। तार मैंने इसके मतलब जो तुम्हारा 9000 रुपया करीबन जो आता है, तो उसमें 4000 रुपया खाने रहने के लिए लग जाता है। 4-5000 रुपया बचता है, गाँव में भेजते हो। और ये कितना दिन के लिए करते हो? ये सारा साल तो नहीं करते हो? नहीं, बस यही मान लो गर्मी आ गया है तो यहाँ 2-3 महीना तक रहेंगे, फिर उसके बाद पानी गिरने लगेगा तो फिर गांव चले जाएंगे, फिर पानी बंद हो जाएगा तो। अच्छा, गांव में जाके चासबास का दुनियादारी? उधर कितना जमीन फमीन है? नहीं है। अच्छा, दूसरा का भाग में काम करते हो? अच्छा, इसके बाद इधर आते हो? अच्छा, ठीक। देखिए, ये जो चनाचूर है ना, ये प्रैक्टिकली इसको चेपटी बोला जाता है। ये चना को आप इसके मुख से सुनिए, प्रजापति का मुख से बोलो। ये चना को ले जाते हैं, इसी चने को सर इसको पानी में भिगाते हैं। इसको भिगाने के बाद इसको ऐसे ऐसे पानी लगाते हैं हाथ से, फिर इसको 2-3 दिन तक इसको छोड़ देते हैं, 2 दिन तक। अच्छा, फिर इसको पत्थर पर हथौड़ी से पीसते उसके बाद इसको तेल में फ्राई करके फिर ले जा रहे हैं। अच्छा, 1 किलो फोड़ने में कम से कम 3 घंटा लगता है। ओहो, मैंने मेहनत का काम है। मेहनत ये हो जाने के बाद दो तीन चना फोड़ना पड़ता है सर, उसके बाद इसको तेल में फ्राई करना पड़ता। अच्छा, फिर उसके बाद फ्राई करके। मैंने एक साथ में कितना किलो करीब एक साथ में करते हो? मतलब हम लोग 2-3 लोग हैं, एक रूम में हैं। अच्छा, सब यही एक ही धंधा करते हो? सब लोग एक ही धंधा करते हैं। फिर उसके बाद तेल फ्राई करके इसको पन्नी में डाल देते हैं, उसके बाद अपन शाम को ठंडा पानी कर जाते हैं। प्रजापति के साथ मैं बातचीत कर रहा था। प्रजापति के साथ बातचीत करने के बाद हमको ये लग रहा है, ये लड़का गाजीपुर से आया है, लेकिन इधर उसका मेहनत करके काम कर रहा है, सच्चाई के साथ और ऑनेस्टी के साथ काम करते जा रहा है। उसमें भले उसको 6000 रुपया, मैंने 8-9000 रुपया बच जाता है, उसमें उसका अपना गुजारा भी करता है और गाजीपुर में उसका फैमिली के लिए। तुम्हारा बाल बच्चा कटो है? एक लड़की है सर, एक लड़का है। और तुम्हारा पिताजी माताजी सब तुम्हारे पास रहते हैं? पिताजी नहीं है, माताजी है। ओ, माताजी तुम्हारे साथ रहते हैं? माताजी भी साथ रहती है, वाइफ भी साथ रहती है। और तुम्हारा दूसरा कोई भाई बहन? कोई नहीं, भाई नहीं है, बहन है। अच्छा, बन के शादी हो गया, माने पूरा संसार का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर में है और ये जो तुमको मिल रहा है इसी से ही तुमको गुजारा कर रहा है। बहुत धन्यवाद प्रजापति, चलो भगवान तुमको भला करें।
जिंदगी का और एक संघर्ष आपने देख लिया। अगर आपको अच्छा लगे हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नमस्ते।